सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा देने वाले विशेष शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीतापुर नेत्र चिकित्सालय स्थित समेकित दिव्यांग केंद्र के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, केंद्र प्रभारी नीरज आजाद सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ DM ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने विशेष शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को व्यवहारिक के आधार पर शिक्षा देने की बात कही। इस दौरान DM ने केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों से मुलाकात किया तथा उनसे बात की। तत्पश्चात DM ने केंद्र परिसर तथा भवनों का भी निरीक्षण किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया। इंटेलिजेंस से कोई जोड़ नहीं, ये अलग है, भाषा है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक माध्यम है, बट अंदर का जो ब्राइटनेस है, दिमाग है, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अच्छा फंक्शन करती है उसे, बट ये जाते बेचारा अपने पर्सनालिटी टूट जाता है बिल्कुल, वो जो मन बल ना होने की वजह आगे नहीं बढ़ पाता। अब नंबर वन आपका हम लोग का पहचानना यही है, जो बच्चे हैं उनका यदि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, सोशल प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो मान लीजिए इवन कैंसर में भी हम लोग पहले पहचान लेंगे फर्स्ट स्टेज में आराम से क्योर हो जाए, बट फोर्थ स्टेज में पहचान लेंगे तो फिर बचाना मुश्किल है, मर जाएगा, मरने का अलग आप नहीं कर सकते। जो कैच द मटियन मतलब कितने कम उम्र में हम लोग उन लोगों का पहचान रहे, उनको प्रॉब्लम पहचान रहे, वो बहुत जरूरी है। 7.5 लाख रुपया तक का एक सर्जरी के लिए प्रोविजन दे दो। ऐसे बच्चे हैं लग रहा केवल इनका रिप्लेसमेंट सही करने में उनका आवाज सुनाई ही पड़ेगा, तो फिर इससे अच्छा वो आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, उनको दूसरी वजह बोल नहीं पाना। उसके बाद फिर उनका स्टेज आइडेंटिटी कराना होगा, वो बच्चे आएगा क्योंकि मित्र के साथ ही जो बच्चे ज्यादा सीखता है, टीचर के साथ वो ज्यादा मित्र के साथ सीखता है, कहीं कहीं रास्ता दिखाना है, इसलिए आज हम लाए ताकि बहुत सारे रिसर्च चल रहा है दुनिया में, जो अभी भी हम लोग अभी तो ये फील्ड में फिलहाल तो अभी बहुत पीछे है, बट गोरखपुर ऐसी स्थिति अभी तो इसका जो भी रिसोर्स चाहिए तो पूर्वांचल में इसी सेंटर में मिल जाएगा, मधुमती हो लोग हम लोग किसी टाइप का भी आपका समस्या लेके आएंगे, उसका निदान हम करा देंगे उसी स्थिति पर। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो BIG में इलाज हो जाएगा, किसी का स्पीच थेरेपी कराना है उसको भी हो जाएगा। आपसे बस यही निवेदन है, बच्चे के साथ मित्रता बढ़ाइए और ये बच्चे का अपनापन के साथ कितने जल्दी उनके ले आएंगे उस हिसाब से ले आएंगे, उसका आगे उनको PhD कहाँ करना है, कौन सी कोर्स करना है, कहाँ तक ले जाना है, सुलंबित कैसे कराना है, वो सारे जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, बेसमेंट भी बहुत जरूरी है। जैसा कि पड़ोसी ने कहा कि आभार व्यक्त कर रहा हूँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्यक्रम में आए इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, उन बेपंख परिंदों को पास बनाने की ताकत रखने वाले आप सभी युवा साथियों को शुभकामनाएं देता हूं मैं। अच्छा, आज की छुट्टी, अरे वो बढ़ रही है, अच्छी है, देखिए इतने सुंदर से लिख रही है, बहुत बढ़िया, अल्लाह बहुत, तुम लोग भी लिखो भाई, सब लिख रहे हो सब यार, इतना तो साफ जंगल क्लियरेंस नहीं किया भाई, इसका मतलब सेंसरी पार्क अगर डेवलप हो जाता है। हाँ, करा लो करा लो, नगर निगम वाले सर आते हैं तो सही हो गया, काम करो ना, सामान आ रहा है जी, सर सफाई तो सर इधर तो चल क्या ऊपर भी करा दिया पीछे भी हो गया, कब तक चालू करोगे भाई, आप लोग की ट्रेनिंग ले लो कहाँ से, जो वहाँ देते लोग हैं आपके पास तरफ मानसिक विकलांग लोग बाल को कटवा के लिए सही तो करते हैं, बट उनको ये ट्रीटमेंट चालू करने के लिए साइकियाट्रिस्ट तो चाहिए, तो प्राइवेट डॉक्टर किसी को हायर करते हैं, तुम्हारा उस पर है साइकियाट्रिस्ट, वो 19 लोग साइकियाट्रिस्ट नहीं है, आपको भी साइकियाट्रिस्ट नहीं है, फिजियो है, फिजियोथेरेपिस्ट
गोरखपुर में है क्या काम हो जाते हैं विश्वास जगह होगा के लिए आते हैं तो अगर वापस चला जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता है अधिकारी छीन लो भाई मैं भी हूँ जगह पूरा लेते हो ना ठीक है मैं इंडिविजुअली लूंगा हां ना आ जाओ ठीक है। सीआरसी सेंटर में आज हम लोग जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बारे में यानी खासतौर पे जो विकलांग बच्चे हैं जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन लोगों के लिए वर्कशॉप आज प्रारंभ किए हैं। इस पे जो इग्नोरेंट टीचर है यहाँ के कितने एक्सपर्ट हैं उन लोगों का जो 5 दिन के लिए कार्यशाला होगा उसके बाद कितने बच्चे हैं जो विकलांग से जो ग्रस्त है उन लोगों का जो आइडेंटिफाई करा के ला करके उन लोगों का स्पीच थेरेपी से लेके मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सारे चीज़ यहाँ कराने के लिए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। टीचरों को किस तरह आप बताएंगे मोटिवेट करने पर? हाँ मैं मोटिवेट इसलिए किया तो अपने बच्चे के साथ खासतौर पे दिव्यांग बच्चे के साथ मित्रता बढ़ना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। मित्र के साथ ही जो बच्चे अच्छा से जुड़ेंगे तो जल्दी से सीखेंगे इसलिए इनसे बताएं तो उनको मित्रता बढ़ाएं उसके बाद फिर उनका आगे रास्ता में दिखा करके ले जाएं।